आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फ्लाइट की सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से बोर्डिंग पास और अपना बैगेज टैग को निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास के लिए आपको कियोस्क पे जाना होगा। कियोस्क पे जाने के बाद इंडिगो क्लिक करना है। यदि आपका दूसरा फ्लाइट है तो दूसरा आपको मिलेगा। यहाँ पे 6 डिजिट का जो करेक्टर है, अपना PNR है, वहाँ पे आपको लिखना है। लिखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट आ जाएगा। देखिए, जिस तरह से रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने के बाद में आपको या पैसेंजर नेम आ जाएगा, एक है तो आपका एक मिलेगा, दो है तो दो मिलेगा, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि मेरा एक पैसेंजर है तो कंटिन्यू क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक्सेप्ट करते जाना है। यहाँ पे तो प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट आ गई है। ओनली वन हैंड बैग डैट कैन बी फिट अंडर सीट इज अलाउड। तो आपको एक ही बैगेज मिलेगा जो आप सीट के नीचे फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वेट करने को बोला, या वेट करते ही आपको प्रिंट ऑल बोर्डिंग पास पे क्लिक करना है, प्रिंट ऑल बैगेज टैग्स। तो यहाँ से आप जैसे है करेंगे प्रिंट, तो यहाँ से बैगेज जो है ये अपना प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, आपका बोर्डिंग पास और बैगेज टैग आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, बोर्डिंग पास और बैगेज टैग आप निकाल सकते हैं यहाँ से। और यदि सीट सेलेक्ट करनी है, तो सीट सेलेक्ट करने के लिए आपको फिर बोर्डिंग पास निकालने से पहले आपको सीट सेलेक्ट करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह आपको कियोस्क के ऊपर जाना है। कियोस्क के ऊपर जाने के बाद PNR को सेलेक्ट करना और एंटर कर देना है। देखिए, जैसे एंटर करेंगे यहाँ से प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हो जाएगी और नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद में साइड में जो क्लिक है एक्सेप्ट करने के बजाय, लेफ्ट साइड में जो थी इस पर आपको क्लिक करना है। तो प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट जैसे ही सेव करेगा तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। देखिए, वेट करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है। जौन सी क्रॉस है वो आप बुक नहीं कर सकते, जौन सा ब्लैंक है आप वहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से देखिए, जहाँ से एक्सेप्ट करना कोई भी सीट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वही आपका बोर्डिंग पास की सीट जो है आपको मिल सकती है। तो इस तरह से आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अपना सीट, अपना बोर्डिंग पास और अपना बैगेज टैग निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।